जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। नमस्कार, केपीटी भारत न्यूज चैनल आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। यमुना तट पर स्थित अंत्येष्टि स्थलों पर चला 127वें चरण का सफाई अभियान। विगत 7 वर्षों से अभियान में जुटे संस्था के सदस्य प्रतिदिन होते ही अंत्येष्टि स्थलों की सफाई, यमुना तट से संबंधित जन समस्याओं पर हुआ विचार विमर्श। एक विचित्र पहल सेवा समिति रज अवरैया द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना तट के सौंदर्यीकरण हेतु विगत 7 वर्षों से अनवरत अंत्येष्टि स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक 127वें चरण का सफाई अभियान चलाया गया। समिति के सदस्यों द्वारा सफाई यंत्रों के सहयोग से लगभग 2 क्विंटल कचरा व अपशिष्ट एकत्रित कर आग द्वारा नष्ट किया गया। समिति के संस्थापक ने बताया कि सफाई अभियान के 127वें चरण में लगभग 86 टन अपशिष्ट कचरा यमुना नदी में जाने से रोका गया। अभियान के उपरांत यमुना तट पर स्थित राम झरोखा में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना नदी व यमुना तट से संबंधित समस्याओं पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया। बैठक में समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कई गंदे नाले यमुना जल को अनवरत प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे पावन यमुना लगातार मैली होती चली जा रही है। गौरतलब है कि धार्मिक पर्वों पर लोग यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से यमुना नदी में गिर रहे गंदे नालों पर रोक लगाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग की है, ताकि पतित पावनी यमुना का अस्तित्व सुरक्षित रह सके। बैठक के उपरांत फल आरती गौरव पुरवाल व सौरभ गुप्ता ने बैकुंठ रथ की वार्षिक सदस्यता ग्रहण की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने शाखा के नए मेहमान का हृदय से अभिनंदन किया। समापन पर अंत्येष्टि स्थलों का प्रतिदिन सफाई करने वाले सफाई कर्मी रजन वाल्मीकि की यमुना घाट सेवा समिति के संरक्षक ज्ञान सक्सेना ने 2000 मासिक वेतन प्रदान किया। अभियान में बैठक में प्रमुख रूप से बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी शेखर गुप्ता, तेज बहादुर वर्मा, सभासद छया त्रिपाठी, मनीष कुमार हीरू, आदित्य पोरवाल, सरदार राजपाल सिंह, दीपक सोनी, सभासद पंकज मिश्रा, हर्ष गुप्ता, अर्पित दुबे एडवोकेट, डॉक्टर मिथुन मिश्रा, सौरभ पोरवाल जूनियर शाखा अनमोल के अध्यक्ष, शिक्षक शिवम गुप्ता, अजय पोरवाल, रानू पोरवाल, कपिल गुप्ता, आनंद गुप्ता, डाबर भीमसेन सक्सेना, अर्पित गुप्ता, आदित्य लक्षकार, मयूर लक्षकार, धर्मेंद्र सिंह परिहार, सतीश पोरवाल, रजन वाल्मीकि आदि यमुना मैया के सेवादार मौजूद रहे। जनपद औरैया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। सम्मानित बंधुओं, आज 127वां चरण यमुना मैया के चरणों में आप सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। और सबसे बड़ी पीड़ा आज क्या है हम लोगों के बीच में, यहाँ पर कुछ गंदे नाले गिर रहे हैं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन को बताया कि पतित पावनी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना, जिसमें तमाम गंदे नाले गिर रहे हैं शहर के और गाँव के भी, इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हमारा भाव ये है कि यहाँ पर तमाम लोग अपनी आस्था के चलते यहाँ पर पर्व स्नान करते हैं और वो सब गंदगी इसी में मिल रही है। ये हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये गंदे नाले बंद कराइए, जो नाले पड़ रहे हैं यमुना जी में, और ये नाले इन नालों की व्यवस्था के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिससे ये पानी स्वच्छ होके इस यमुना जी में आए। हम लोगों का ये उद्देश्य है। और इसके साथ में अभियान आज से शुरू हुआ है, अब ये अभियान हर हफ्ते चलता रहेगा और आप लोग सेवा करते रहिए। और एक और जानकारी देना चाहते हैं